आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा पूरे महाराष्ट्र में गरमाया है, जिसके चलते आज पूर्व केंद्रीय मंत्री केंद्रीय ओबीसी भाजपा उपाध्यक्ष हंसराज अहिर के नेतृत्व में कांग्रेस के सांसद के गढ़ वरोरा में रास्ता रोको आंदोलन किया। श्री अहिर ने कहा कि ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण रद्द कर दिया गया है क्योंकि राज्य में महाविकास गठबंधन सरकार ने ओबीसी के डेटा को सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं किया है, राज्य सरकार की अनिच्छा के कारण ऐसा हुआ, जैसा कि इस भूमिका से ओबीसी विरोधी भावना स्पष्ट होती है। राज्य भाजपा और ओबीसी मोर्चा के राज्यव्यापी चक्का जाम आंदोलन की पृष्ठभूमि में पूर्व राजश्री शाहू महाराज की जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले सामाजिक न्याय दिवस को सही ठहराते हुए पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हंसराज अहिर ने ओबीसी भाइयों और भाजपा पदाधिकारियों की मौजूदगी में हाईवे पर चक्का जाम आंदोलन किया। प्रदर्शनकारियों ने बैनर लहराए और राज्य सरकार की नीति के खिलाफ नारेबाजी की। तो महाराष्ट्र के ओबीसी का आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की गलती से स्टे किया है, स्थगित किया है। उस स्थगिति को हटाने के लिए राज्य सरकार ने पूरी कोशिश करनी चाहिए, अच्छा रिप्लाई देना चाहिए, अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए, इसलिए आंदोलन चल रहा है। हमारे देश में घटना दत्त हमें अधिकार है 27% ओबीसी का राजकीय आरक्षण है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, ये सभी पर स्टे आ गया है। ये इसके अनेक कारणों में एक कारण है कि भारत सरकार ने उचित उत्तर नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट में, जबकि हमें 27% मिला हुआ है आरक्षण ओबीसी को। ये पूर्ववत जारी करने के लिए आज का आंदोलन है। हम इस चक्का जाम के माध्यम से जो महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे जी की सरकार है, वो तीनों दल शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी दल की जो सरकार है, इसको आह्वान करते हैं कि अगर आपने तुरंत अगर सुप्रीम कोर्ट में अपनी बाजू नहीं रखी, युक्तिवाद नहीं किया और ओबीसी का आरक्षण पूर्ववत नहीं किया, ये सरकार को हम चलने नहीं देंगे। ये आज का आंदोलन आखिरी आंदोलन नहीं रहेगा, इसके बाद भी और इससे भी ज्यादा ताकत लगा का आंदोलन खड़ा होगा। ये सरकार को हम हटा के रहेंगे। इतनी ताकत ओबीसी के महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में करीब करीब 52-55% ओबीसी भाई रहते हैं। इतनी बड़ी ताकत को हम मजाक समझ रहे होंगे और उनका छल करेंगे, ये सरकार हम चलने नहीं देंगे, इसलिए आज का चक्का जाम आंदोलन चल रहा है। एक और जहां कांग्रेस और बीजेपी रास्तों पर उतरकर अपने आप को ओबीसी का सबसे बड़ा हितैषी बताने पर तुले हैं, वहीं आज विजय वडेट्टीवार के नेतृत्व में शुरू हुआ 2 दिवसीय ओबीसी चिंतन और मंथन बैठक की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य के मंत्री श्री छगन भुजबल के हाथों संपन्न हुआ। यहां पर बोलते हुए श्री वडेट्टीवार ने कहा कि जब तक सारे पक्ष के नेता पक्ष के विचारों से ऊपर उठकर एक साथ नहीं आएंगे, तब तक ओबीसी का प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तुम्ही ओबीसी न्याय हक्कासाठी आम्ही अनेक आंदोलन करतो, अनेक मोर्चे निघत आहेत, रास्ता रोको होतोय, आंदोलन होतोय, काँग्रेसला भाजपा आरोपीच्या पिंजऱ्यात टाकते, काँग्रेस बीजेपीला आरोपीच्या पिंजऱ्यात तुम्ही करताय, एक पक्ष दुसऱ्या पक्षाला उभं करतोय, आज सत्तेत असणाऱ्याला विरोधी पक्ष आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करतोय आणि सत्तेत असणारे विरोधकाला उभं करताय। पण बाबांनो, तुम्ही एकमेकावर आरोप करून ओबीसीचा प्रश्न सुटणार नाही, तर सर्वजण जर एक शक्तीने एक ताकदीने पुढे आला तर ओबीसीचा प्रश्न सुटीमध्ये सुटू शकेल आणि त्याच विचार त्या संदर्भात त्या तो विचार आणि त्याचं मंथन या मंचावर व्हावं आणि तुम्ही आम्ही पक्षाची आयडियोलॉजी पक्षाचे विचार बाजूला घेऊन ज्या समाजाने तुम्हाला मोठं केलं आहे त्या समाजासाठी पहिल्यांदा घडलं पाहिजे, मग आम्ही आमच्या पक्षाची चूल घेतली पाहिजे, हा विचार या ठिकाणी प्रत्येकाने मानावा आणि मग पक्षाला तुमच्या पक्षाला आपापल्या पक्षाला बळ द्यावं, ही आमची संकल्पना आणि ओळख। तुम्ही जर आपसात लढत असाल तर तुमचा एकही प्रश्न सुद्धा सुटू शकत नाही। राजकीय आरक्षणाचा विषय असेल,